कई बार आपके साथ भी होता क्या है, आपके पैसे कट जाता है लेकिन आपका एडमिशन फॉर्म आपको डाउनलोड नहीं होता है, एडमिशन हुआ ना नहीं हुआ आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे स्थिति में एक बार यूनिवर्सिटी आपको पता करोगे कि मेरे पैसे पहुंचा या नहीं पहुंचा, जो ऑनलाइन जमा किया। पीयर टीचर चलता है हमारे यहाँ, पीयर टीचर चलता है ऑप्शन में, उसके एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी चल रही है तो उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। और ये SSR और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये जो नैक हो रहा है, नैक की प्रक्रिया आगे मार्गदर्शक से होना, तो उसके एक SSR से एडवाइजर मिल रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने वो भी डाल दिया है, कोई भी उसको देख सकता है। और किसको देखना चाहिए, जो नैक की टीम आएगी उसी SSR से संबंधित पूछेगी, वहाँ के एम्प्लॉयज को पूछेगी, हमको भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए डाल देंगे। आपसे तो नहीं पूछेंगे, वो हो सकता है आपको दिन ऑनलाइन लिया जाएगा, जिस दिन वो आएंगे उस दिन आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप उनको क्लास आपको आते हो नहीं आते हो, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस समय भी रेडी रहना है 12 तारीख के बाद। उसके बाद आप नीचे जाओगे देखेंगे अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी के, क्या न्यूज़ वगैरह या कोई नोटिस वगैरह है, तो इस सेक्शन में आपको सब कुछ दिख जाएगा। एडमिशन, एग्जाम, वर्कशॉप, साइंस के विषय में उनको वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप के बाद प्रैक्टिकल करवा देते हैं, तो वो भी यहाँ डाला गया है। वर्कशॉप के जो नोटिस है, ये नोटिस का सबसे बड़ा, तो आपको यहाँ नोटिस दिखे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है असाइनमेंट, स्टूडेंट वन टू में आप उसमें डिटेल दे सकते हो, आप उसको खोलोगे तो आपको डिटेल दिख जाएगी, यानी कि आपकी किताबें आई ना नहीं आई, आपने अगर सेकेंड थर्ड ईयर में हो तो आपको फर्स्ट ईयर के रिजल्ट देखना है, आपका फर्स्ट रिजल्ट यहाँ रहता है। आप जितने समय तक ओपन यूनिवर्सिटी में रहोगे, यानी कि आपने बीए किया या फिर एमए किया या दूसरे कोर्स किया, तो सारा डिटेल आपका जो हिस्ट्री है कह सकते हैं हम लोग, आपके एग्जाम के, आपके एडमिशन के सारे हिस्ट्री को आप स्टूडेंट वन टू में जाकर देख सकते हो। और आफ्टर 10 ईयर्स में 10 साल बाद भी देखोगे आपने ओपन में क्या कोर्स किया था, वन टू में जाकर देखोगे आपको मिल जाएगा कब कब आपने किस किस क्लास में एडमिशन दिया था, वो सारा डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट और एसेंशियल फॉर्म, कई चीजें हैं आपके, आप उसमें जाओगे कई चीजें, जैसे आपके एडमिशन में कोई गड़बड़ी हो जाती है या आपकी फीस वापस लेना, आपने एडमिशन ले लिया ज्यादा फीस दे दी वापसी करनी होती है, या डिग्री के लिए अप्लाई करना होता है, तो कई फॉर्म यहाँ आपके डाल दिए गए। जैसे देखिए रूल्स ऑफ लेटर एंट्री, जो लेटर पार्सल एडमिशन कहते हैं, दूसरे जगह सेकेंड थर्ड ईयर पढ़ के ओपन में आना चाहते हैं उसको लेटर एंट्री कहा जाता है, तो लेटर एंट्री का फॉर्म डाल दिया है, रूल्स डाल दिए हैं। फी रिएम्बर्समेंट, किसी ने पैसा ज्यादा दे दिया या एडमिशन लेने के बाद एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को आप लोग को देखना चाहिए। क्या क्या देखेंगे आप देखिए यहाँ एक व्हाट इज न्यू में अभी क्या हो रहा है वो देखिए, जैसे आपको असाइनमेंट ऑनलाइन एग्जाम होता है, असाइनमेंट का ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको घर बैठे बैठे ही आपको पैसा देती है, चाहे आप किताब देखिए वेबसाइट बन रहा है वो उनको बना के दे दिया गया है, लेकिन थोड़े से उसमें अभी हम अपनी तरफ से डिटेल डाल रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है वो, लेकिन हमने खुद अपनी तरफ से एक बना के रखा है, पहले से हमारा बना हुआ है, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमको दिया जा रहा है, तो बाद में वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी की फोटो गैलरी है, इसमें भी आप देख सकते हो। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ देखिए, स्टूडेंट पोर्टल, ये आपके लिए कम्प्लीटली आपके लिए, यहाँ क्या क्या सुविधा दी गई है आपके लिए, स्टूडेंट पोर्टल भी यहाँ पे डाल दिया गया है। असाइनमेंट देखिए, पहले ऑफलाइन होता था असाइनमेंट, क्वेश्चन आता था वहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से देख लेता, लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन है, लेकिन फिर ऑफलाइन होने की बात चल रही है, तो ऐसे स्थिति में आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड करने, ठीक है ना। सिलेबस, आप जनरली आपको किताब पर ही डिपेंडेंट रहते हो, किताब देखते हो उसी से पढ़ते हो, लेकिन एडमिशन लेने के बाद आपके लिए ये देखना जरूरी है कि सिलेबस क्या है, जिस कोर्स में मैं एडमिशन ले रहा हूँ उसका सिलेबस क्या ढंग से, आप लेकिन कई तो देखिए आप ऐसे स्थिति में किताब यहाँ से पढ़ सकते हो, वही किताब यहाँ डाल दिया गया है, सारे बुक्स आपके सभी विषय की बुक्स यहाँ उपलब्ध है, आप इसके अंदर जाओगे आपको दिख जाएंगे, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। फिर डाउनलोड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
इसलिए 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर को डाल दिया जाए आपके सामने। तो इसलिए जाइए क्वेश्चन देखिए, पैटर्न समझिए कैसे क्वेश्चन आता है, तो फिर आप परीक्षा की तैयारी इस तरीके से कर सकते। तो कम से कम परीक्षा से 1-2 महीने पहले आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, इससे 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, सारी व्यवस्थाएं यहाँ है। रजिस्ट्रेटर को अगर आपके पास अपडेट है तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित, किताबों से संबंधित, या आपके मार्कशीट से संबंधित, आपके जो आपने रिजल्ट आपको सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो भी कंप्लेन आप सीधे कंप्लेन